कल्पांतर की साधना के 11वें दिवस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जाना कि संस्कार व मान्यताएं कैसे हमारे ऊपर हावी होती हैं और हम दृष्टा भाव से ध्यान में उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज दृष्टा व साक्षी भाव को ध्यान के समय कई बार ये सब आपने सुने हैं। तो दृष्टा भाव साक्षी भाव क्या है इसको जानने की कोशिश करेंगे। कल्पांतर की साधना के द्वारा धीरे धीरे आप बाह्य घटनाओं से निष्प्रभावी रहने लगते हैं और अनासक्ति का भाव विकसित होता जाता है। अनासक्ति का मतलब भागना नहीं है, आपको जीवन की समस्त क्रिया व प्रतिक्रियाओं को निभाना है और काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार प्रेम दया उत्तेजना घृणा आदि जीवन के सामान्य भावों को जरूरत के समय अभिव्यक्त करना है, परंतु उनको अपने से अलग मानकर देखना है। बाह्य जगत के क्रियाकलाप लौकिक व्यवहार आपके अवचेतन मन की गहराई तक ना पहुंच पाए, आपको उन्हें केवल साक्षी भाव से पूर्ण चेतनता व सजगता के साथ देखते रहना है। अधिकतर मनुष्य कठिन परिस्थितियों व विपरीत परिस्थितियों में कांच के टुकड़े की तरह बिखर जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान के द्वारा मजबूत बनना है। आपको सभी कुछ साक्षी होकर करना है। आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो भी करें उसे पूरे मनोयोग से देखते हुए करें कि आप उस कार्य को अपने शरीर से करा रहे हैं या अपने शरीर की इंद्रियों से करा रहे हैं और आप उस सब से अलग हैं। बस यही है दृष्टा व साक्षी भाव और आपको इसे ही अनुभव को बढ़ाते जाना है। आप दुख व्यक्त करते हैं परंतु दूसरे क्षण आप आनंदित दिखते हैं या आप क्रोध करते हैं और दूसरे क्षण शांत नजर आते हैं, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं उससे आपका अंतःकरण प्रभावित नहीं हुआ और आप उस घटना से सहजता से आगे बढ़ गए। आप हर घटनाक्रम से ऊपरी सतह पर प्रभावित तो हैं लेकिन गहन अंतःकरण को वह प्रभावित ना कर सके, इसके लिए लगातार अभ्यास करना होगा और आपको नरम व लचकदार होते हुए भी सशक्त रहना है। आप स्वयं को भौतिक शरीर भावनाओं व मन से भिन्न महसूस करें और जो भी प्रकट होता है उसको सजगता से देखते रहें। दृष्टा व साक्षी की तरह जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप को देखते हुए जिएं। अतः समस्त क्रियाकलापों को आत्मचेतन के केंद्र बिंदु पर स्थित रहते हुए दृष्टा व साक्षी भाव से देखने का प्रयास करें। आसन प्राणायाम योग ध्यान साधना रेकी आदि के द्वारा ये सहज ही संभव हो जाता है, क्योंकि आप सत्य को जान लेते हैं और जब आप अंदर जाते हैं बार बार साक्षी भाव से वो दृश्य जो भी प्रकट होते हैं उनको देख रहे होते हैं। वही साक्षी भाव जब आपके बाहर प्रकट होने लगता है तो आप बाहर की घटनाओं से प्रभावित नहीं होते। जैसे एक फिल्म चल रही है और आप लगातार उसको देख रहे हैं, उस फिल्म में हंसी के सीन भी आते हैं तो आप हंस लेते हैं, दुख के सीन आते हैं तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होती है आपके ऊपर उस फिल्म के किसी भी सीन का कोई प्रभाव नहीं बचता, क्योंकि आप उस समय उस फिल्म को एक दृष्टा भाव से या साक्षी भाव से देख रहे थे और उस समय जो भाव व्यक्त हो रहे थे उनको आप व्यक्त कर रहे थे, जो भी भाव प्रकट हो रहे थे उनको आप
व्यक्त कर रहे थे। लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म हुई, आपके भाव का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षण में आपको ये दृष्टा भाव या साक्षी भाव रखना है। जैसे अगर कोई कार्य आप हाथों से करा रहे हैं तो आपके हाथ कार्य कर रहे हैं, इस बात के भाव आपके मन में रहें। आप दृष्टा बनकर देख रहे हैं, आपका आत्मचेतन तत्व ये देख रहा है कि आपके हाथ कार्य कर रहे हैं। अगर बोल रहे हो तो आपकी जीवा बोल रही है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो इंद्रियों के द्वारा या आपके शरीर के द्वारा हो रही हैं, ये भाव आपको रखना है। और जैसे जैसे ये भाव बढ़ेगा, बाहर के सभी घटनाएं आपको प्रभावित करना बंद कर देंगी। तो इन घटनाओं से आपको जूझना नहीं है, सहज भाव से साक्षी बने और इन घटनाओं के प्रभाव से मुक्त हो जाएं। आज हम अपनी असल पहचान भूल चुके हैं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है और बचपन से सभी से यही देखते व सुनते आए हैं कि मैं रामदास हूँ, मनोज हूँ, श्याम हूँ या धोबी हूँ, मजदूर हूँ, मिस्त्री हूँ, नौकर हूँ, मालिक हूँ, मैनेजर हूँ, डॉक्टर हूँ, ड्राइवर हूँ, इंजीनियर हूँ, अभिनेता, पार्टी का नेता, गायक हूँ आदि आदि। परंतु ये सब झूठी पहचान है। हम शरीर व मन के कार्य से इतना जुड़ गए हैं कि अपने को उनसे अलग नहीं देख पाते, और यही हमारी सत्य पहचान नजर आने लगती है। हमने कभी तथ्य की सत्यता पर सही गलत होने का विचार ही नहीं किया। इसी प्रकार जब कोई कहता है मैं भूखा हूं, तो वास्तव में उसका शरीर भूखा है, आत्मा नहीं। पर वह शरीर से इस प्रकार घुलमिल गया है कि उसका कोई अलग अस्तित्व ही नहीं है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, प्रेम, दया, उत्तेजना, घृणा, ये सब हमारे मन के भावनात्मक पहलू हैं, और इन भावों में ही हम अपने आत्मस्वरूप को खो चुके हैं। आप इस झूठी पहचान के प्रति जब सतर्क हो जाएंगे तो सत्य आत्मस्वरूप के प्रति साक्षी हो जाएंगे, तो सहजता आपकी पहचान बन जाएगी। आप एक अभिनेता की तरह सभी भूमिकाओं को अच्छी तरह से निभाते हुए, जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा करते हुए हर क्षण का आनंद लेने लगोगे। ये संसार एक रंगमंच है और परिवार एक नाटक, और आप इसके पात्र हैं जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अपनी आत्मदर्शक की भांति ये सब कुछ देख रही है। जितना इस आपका अभ्यास गहरा होता जाएगा, आप अपनी मान्यताओं, संस्कारों पर सभी भय, कष्ट, दुखों से मुक्त होते जाएंगे और दृष्टा व साक्षी भाव में रहने लगेंगे। तो स्वयं को केवल एक नाटक का पात्र मानते हुए इस संसार रूपी फिल्म में एक्टिंग आपको करनी है। जितने भी रोल आपको निभाने को मिले हैं, चाहे वो फिर पिता का हो, भाई का हो, बहन का हो, माँ का हो, और भी बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, बुआ, फूफा, चाचा, मामा, ताता, उत्ता आदि, तो जितने भी रिश्ते हैं, रिश्ते के बाद मैत्री है, मित्रगण हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो ये सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और आपको भी अपनी भूमिका को निभाते हुए उस भूमिका के साक्षी रहना है कि आपका शरीर उस भूमिका को निभा रहा है। जैसे एक कलाकार एक फिल्म में बाप का रोल करता है तो दूसरी फिल्म में बेटे का, लेकिन वो किसी रोल से बंध नहीं जाता। ऐसे ही हमें इस शरीर से बंधना नहीं है,
अपने रोलों को निभाते हुए साक्षी भाव को बढ़ाते जाना है। और इस साक्षी भाव के बढ़ने से आपके जीवन से दुख कष्ट खत्म होते चले जाएंगे, क्योंकि आप सत्यता को जान लेंगे। और यह अभ्यास आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आप आनंद में होते चले जाएंगे। आपकी आत्मा जीवनी शक्ति या ऊर्जा, जो भी नाम दें इसे, जब तक ये ऊर्जा है आपके अंदर तब तक आपका शरीर के सभी अंग कार्य कर रहे हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, हाथ कार्य कर रहे हैं, पैर चल रहे हैं। लेकिन जिस पल ये ऊर्जा समाप्त हो जाती है उस पर सभी शरीर के अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। फिर ना तो जीवा बोल सकती है, ना कान सुन सकते हैं, ना आंखें देख सकती हैं। तो इन सबको चलाने वाला, इनको देखने वाला, इनको करने वाला जो आत्मशक्ति है, जो ऊर्जा है, वो साक्षी है देखने की। वो ऊर्जा आपके शरीर से कार्य करा रही है। उस ऊर्जा के द्वारा ही शरीर से कार्य को करते हुए या होते हुए देखते रहें। और यही देखते रहना कि जो घटित हो रहा है उसको केवल महसूस करते रहना कि हाँ, सामने ये घटनाएं घट रही हैं और मैं देख रहा हूँ बस। जिस समय क्रोध आए उस समय क्रोध को देखो कि ये क्रोध मैं देख रहा हूँ, कि इस शरीर को क्रोध आ रहा है, इस बुद्धि को क्रोध आ रहा है, इस मन को क्रोध आ रहा है। जब आप देखेंगे तो क्रोध शांत हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी भाव क्यों ना उठे, कोई विचार क्यों ना उठे, कोई भी द्वंद क्यों ना उठे, आप साक्षी भाव से उसको देखें और देखते देखते वो भाव विलीन हो जाएगा और आप उसके दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। आगे विचारों के बीच हमारा मस्तिष्क दो पार्ट से बना होता है, एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन। इसको जागृत में शुष्क मन भी कह सकते हैं। आपका अवचेतन मन एक खेत के समान है और आप उसके मालिक। आप अपने खेत के अंदर जो भी बीज बोएंगे वही फसल आपको मिलेगी। उसी प्रकार आप अपने अवचेतन मन के अंदर विचारों के जो बीज बो रहे हैं, आपको इसका पता भी नहीं चलता और विचार बोते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हर पल सोचना मनन करना आदत होती है और मनन के द्वारा ही आप जैसे बीज बो रहे हैं, अवचेतन मन वैसे ही फसल अर्थात परिस्थितियाँ आपके सामने प्रस्तुत करता रहता है। अगर हम 24 घंटे दुख दर्द परेशानी काम क्रोध घृणा नफरत के बारे में मनन करते हैं तो हमारे चारों ओर हर पल यही परिस्थितियाँ उत्पन्न होती रहेंगी और हम कहते रहेंगे कि हमारी किस्मत खराब है। पर ये हम नहीं जान पाते कि परिस्थितियाँ हमारे द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। इसलिए आज से ही आप शांति, समृद्धि, सुखुशी, सद्भावना व आनंद के विचारों के बीज बोना शुरू कर दें। शांति व विश्वास से उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचें जो आप पाना चाहते हैं और अपने चेतन मन में उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करें। किसी प्रकार का इसमें आप संदेह ना करें। इससे आपको जो फसल मिलेगी उसे पाकर आप आनंदित हो जाएंगे। अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। आपके विचार, भावनाएं, सपने आपके जन्मों के अनुभवों के जनक हैं। आज बाहर संसार में आपको जितनी भी चीज़ें मिली हैं उनके भी पहले से आपने अपने चेतन मन में बोए थे। जो आज आपके पास है उसे आपने बहुत पहले अपने अंदर ढूंढ लिया था। आज तो आपको फसल मिली है जिसके विचार बहुत पहले आपने अपने चेतन मन में बोए थे। जैसे आपने मकान बनाने का बीज बरसों पहले बोया और आज आपको वह मिल गया।
आप जिस विचार को प्रबलता व विश्वास से स्वीकार कर लेते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं, आपका चेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है, वह कभी बहस नहीं करता। आपका चेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो अच्छे या बुरे सभी बीजों को ग्रहण करती है। अगर आप उसमें बबूल बोएंगे तो कांटे मिलेंगे, और आम बोएंगे तो उसमें मिठास आपके जीवन में की को आनंदित करेगी। आप स्वयं के खुद भाग विधाता हैं और जैसा भाग चाहें वैसा बना सकते हैं। कल्पांतर की साधना के द्वारा आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो पाना चाहते हैं, परंतु पहले आपको जन्मों के संस्कार और मान्यताओं से मुकाबला करना पड़ेगा और फिर आप सत्य को जानकर भाग विधाता बन जाएंगे। आपके अवचेतन मन कभी आपकी बात को मना नहीं करता। आप अच्छा कहते हैं तो भी वो स्वीकार करता है, बुरा कहते हैं तो भी स्वीकार करता है। अगर बार बार बुरा कहकर किसी विचार को प्रकट करेंगे तो वो बुरा विचार आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपके दर्द हो रहा होता है पैर में और आप बार बार पूरे दिन उस दर्द की ही चर्चा करते रहते हैं तो वो दर्द ठीक नहीं होता। आप उस दर्द की जगह कोई और चर्चा करें, दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। दर्द के बारे में विचार ही ना करें, उपचार जरूर करें लेकिन उस पर विचार ना करें। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जहाँ निरंतर हम अपने शब्द अपने विचार बो रहे हैं। हम पाना तो खुशी चाहते हैं लेकिन बीज दुखों के बोते हैं कि हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ है, हमारी किस्मत खराब है, पूरा जीवन दुखों में बीत चुका है। तो ऐसे बहुत सारे नकारात्मक विचार हमारे अंदर समाये हुए हैं। तो सकारात्मकता क्या है? सकारात्मकता अर्थात विश्वास। अगर आप विश्वास करते हैं कि यह वस्तु मुझे मिल सकती है तो वह आपको मिल कर रहेगी, और अगर आप सोचते हैं कि मेरे बस में नहीं है तो उसे आप कभी भी नहीं पा सकते। आप पाना तो सदा अच्छा चाहते हैं लेकिन सोचते सदा नकारात्मक हैं। आपको अपनी सोच को बदलना है, सदा सकारात्मक सोचना है। आप जो पाक के प्रयोग करते हैं, जैसे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम असफल हो जाओगे, तुम बिल्कुल गलत हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्या फ़ायदा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम अब बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी सेहत बिगड़ गई है, तुम प्रेम लायक नहीं हो, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मुझे बीमारी हो सकती है, कोई विश्वास के लायक नहीं है, मैं जिम्मेदारियों को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता, मैं जीवन दुखों से भरा हुआ है, मुझे मरकर ही शांति मिलेगी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये काम मेरे बस का नहीं है, ये सब कल्पना मात्र है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई खुश नहीं है, सब दिखावा करते हैं। तो इस प्रकार के ऐसे और न जाने कितने वाक्य हैं जो आपके जीवन में नकारात्मकता पैदा कर रहे होते हैं और आप अपने लिए व दूसरों के लिए प्रकट करते हैं, जिससे आपका जीवन नकारात्मक होता जाता है और कष्ट मिलते रहते हैं और उनका फल आपको लगातार हर पल मिलता रहता है, लेकिन हम इसको नहीं समझ पाते और सदा दुखी होते रहते हैं। अतः आप ऐसे नकारात्मक विचारों को जड़ से निकाल कर फेंक दें, तभी आप अपने जीवन में सुख आनंद शांति और प्रेम आदि सब कुछ पा सकते हैं। तो ध्यान रहे, सकारात्मकता ही हमें पूर्ण बनाती है और पूर्णता की ओर ले जाती है। अगर आपके अंदर प्यास है और निराशा भी है
तो भी आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा आशावान होना जरूरी है, सकारात्मकता होनी जरूरी है और विश्वास करना भी जरूरी है। आज तक बहुत सी विधियां अपना कर आप निराश हो चुके हैं, फिर भी कुछ तो ऐसा होगा जिससे आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। और अगर नहीं होता तो आपके अंदर से पाने की कल्पना ही नहीं होती। तो जरूरी है कि आप पूरी तरह से सकारात्मकता और आशावान बनकर इन विधियों में उतरें जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, और जो जो भी अनुभव आपकी पहली किरण आपको दिखाई दे उसे स्वीकार कर सूरज बना लें। आप मृत हुए बीजों को न देखें, उन्हें देखें जो अभी अभी अंकुरित हुए हैं। प्रत्येक मनुष्य में वो शक्ति है कि वह कृष्ण बुद्ध महावीर बन सके। संभावनाएं सबकी बराबर हैं, परंतु वास्तविकताएं सबकी अलग अलग हैं। बहुत से लोग तो संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने का प्रयास ही नहीं करते। और विश्वास रखें कि यदि किसी को शांति व आनंद मिला है तो मुझे अवश्य ही मिलेगा। स्वयं की गहराई समुद्र से भी ज़्यादा है और ऊंचाई एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, इसलिए स्वयं की यात्रा पर पूर्ण आशाओं से भरकर चढ़ना शुरू करें। अगर पहली बार में हल्की सी भी आनंद की या शांति की झलक मिल जाए तो आप हजारों कांटों में से भी एक सुंदर गुलाब को देख सकेंगे, और नहीं तो कांटों में उलझकर ही जीवन को समाप्त कर लेंगे। कीचड़ में ही कमल खिलता है। अगर आप कीचड़ को देखेंगे तो कभी कमल नहीं बन पाएंगे, और अगर कमल को देख लिया तो आपको कोई कमल बनने से नहीं रोक पाएगा। साधना में सजगता का अर्थ क्या है? साधना में सजगता का अर्थ है जो हमारे साथ साधना करते समय शरीर में मन में प्रकट होता है उसको केवल देखते रहना, और बिना किसी प्रतिक्रिया किए अपने मानसिक व शारीरिक संवेदनाओं का अवलोकन करना। शरीर में दर्द हो, कंपन हो या कोई भी विचार क्यों ना आए, उसके प्रति सजग होकर देखते रहें। धीरे धीरे आप अपने बाहरी क्रियाकलापों व गतिविधियों को भी साक्षी की तरह दृष्टा भाव से देखने लगेंगे। जैसे सामने टीवी पर कोई चलती हुई पिक्चर, जैसे ही आप शरीर व मन की गतिविधियों को साक्षी की तरह देख पाते हैं, वैसे ही आपका स्वभाव शरीर अब चेतन मन की सीमाओं से पार जाने लगता है। अर्थात आप चेतन आत्म तत्व के द्वारा साक्षी बनकर शरीर व मन की क्रियाओं का अवलोकन करने लगते हैं। यदि आप मात्र इतना ही अनुभव कर लें तो आपके स्वयं के संस्कार व मान्यताओं के प्रति सभी धारणाएं बदल जाएंगी। कल्पांतर की साधना करने से हमें बोध होता है कि हमारा स्वभाव मन शरीर से अलग है। मन व शरीर तो केवल स्थूल शरीर के चलाने के यंत्र मात्र हैं, और इसका चालक सूक्ष्म आत्म तत्व है। क्योंकि हम जन्मों से अपने शरीर व मन को चलाने वाले विचारों के नाटकों में उलझे रहते हैं और सत्य का अनुभव नहीं कर पाते हैं, और हम मन व शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं, परंतु कल्पांतर की साधना से अब चेतन के प्रति सजग होकर हम इस जीवन रूपी नाटक के दृष्टा व साक्षी बन जाते हैं। आत्म चेतना हम सभी में है, वह अनंत और सर्वव्यापक है, और कल्पांतर की साधना से अब चेतन के प्रति सजग होकर उसको जाना जा सकता है। आत्म चेतना शरीर मन व मस्तिष्क से परे की चीज है, उसे आत्मा रूह परमात्मा प्राण शक्ति जीवनी शक्ति आंतरिक ऊर्जा कुछ भी कह सकते हैं। जिस प्रकार आप तस्वीर बनाती है देखना तो चेतना का काम है, ऐसी सुनना चेतना का काम है। इस प्रकार शरीर के सभी अंग मात्र चेतनता तक पहुंचने के यंत्र हैं, जिसे सजग होकर हम जानने लगते हैं। चेतना खत्म होने के बाद ना तो आँख देख पाती है, ना कान सुन पाते हैं, ना ही शरीर मन बुद्धि कोई विचार कर पाती है। अतः इस मस्तिष्क व इंद्रियों का काम मात्र ग्रहण करना है और रूपांतरित कर चेतना तक पहुंचाना है। स्वयं इंद्रियां केवल सुनने देखने स्वाद लेने गंध लेने
या स्पर्श करने की संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। मस्तिष्क उन्हें ग्रहण कर आत्मा तक पहुंचाता है, तब आत्मा इन्हें संस्कारों व मान्यता के आधार पर देखती व समझती है। इस प्रकार आत्मा के बिना जीवन असंभव है। सजगता के लिए किसी प्रकार के आत्मसुझाव की आवश्यकता नहीं है। ये तो साधना का एक सही अभ्यास है। सजगता तो स्वयं प्रकट हो जाएगी और कल्पांतर की साधना से उसका क्रम से विकास होता जाएगा। तो इस प्रकार आपका जीवन इन भावों से, इन विचारों से आनंदमय हो जाएगा।